29 सितंबर साल 2016 को भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे सबक सिखाया। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसके आतंकी शिविरों को नस्त नाबूद कर दिया। दरअसल 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। इस हमले में देश के 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए। आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके। आतंकवादियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और भारतीय जवानों ने 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। उरी हमले के ठीक 10 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 2016 के 28-29 सितंबर की रात पाकिस्तान की सीमा में 3 किलोमीटर घुसकर भारतीय जवानों ने आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। ये पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। साल 2012 में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में घोषित किया गया। इससे पूर्व विश्व हृदय दिवस मूल रूप से 2011 तक सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था। साल 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन WHF ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ मिलकर वर्ल्ड हार्ट डे की घोषणा की। इस दिन को मनाने का सुझाव WHF के अध्यक्ष एंटोनी बेयस डी लूना ने दिया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हृदय रोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें उनकी रोकथाम और उनके वैश्विक प्रभाव शामिल हैं। 29 सितंबर साल 1959 को आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला बनी। आरती को हिंदुस्तान की जलपरी के नाम से भी जाना जाता है। आरती साहा ने महज 19 साल की उम्र में 16 घंटे 20 मिनट तैरकर 42 मील की दूरी तैरकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। भारत सरकार ने वर्ष 1960 में आरती साहा को पद्मश्री से सम्मानित किया। 29 सितंबर साल 1977 को सोवियत संघ ने स्पेस स्टेशन साल्यूट 6 को अंतरिक्ष में भेजा। इसे एक प्रोटोन रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। साल्यूट 6 पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसने मानव आवास, चालक दल और बिना चालक दल के अंतरिक्षयान प्राप्त किए। इस स्पेस स्टेशन ने जीवन और संचालन के लिए एक मिसाल कायम की। इस स्टेशन को मानव रहित लॉन्च किया गया था।